हर हर महादेव। देखिए एक प्रश्न है, अखिल ठाकुर जी हैं, क्षत्रिय वर्ण है, ये पूछ रहे हैं आचार्य जी मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तामसिक भोजन करने से शरीर में आई हुई जो तामसिकता है यानी तामसपन है, तो वो क्या भगवान के नाम से नष्ट किया जा सकता है? क्योंकि मेरे घर में लहसुन प्याज का भोजन बनता है और मुझे विवश होकर के भोजन खाना पड़ता है। कई बार घर वालों की जो है घर वालों को समझाया और वे लोग उल्टा समझ जाते हैं। अब आप ही मार्गदर्शन कीजिए। देखिए लाचारी बात एक अलग है, यद्यपि इसमें कोई लाचारी नहीं है। यूं समझ लीजिए उदाहरण के लिए कि आपके घर के लोग यदि कोई गलत करते हैं, आप उसमें साथ देते हैं तो आपका उसमें साथ माना जाएगा, आप भी मन भले ही दें वो, लेकिन आपका साथ तो है। लंका में विभीषण थे लेकिन फिर भी वे अपने नियमों का पालन करते थे। हनुमान जी को भी देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे कर सकते हैं, लंका निश्चल निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। लेकिन थे, करते थे। अब तो आप कोई छोटा सा भी नियम पालन करें तो जो लोग नियम का पालन नहीं करते हैं, जो ऐसे ही हैं अशास्त्रीय लोग हैं, वे चाहे आपके परिवार के लोग हों, इष्ट मित्र हों, वे सब इस तरीके से ही वो उसका मजाक उड़ाते हैं और न करने के लिए बाध्य करते हैं, यूं समझिए। पर ये सब छोड़ देने योग्य हैं। तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो शास्त्र का नहीं, जो ईश्वर का नहीं, वो अब क्या किसका है, क्या संबंध है उसका? इसलिए किसी की ज्यादा परवाह नहीं करनी है। ठीक है, अभी आप स्वयं समर्थ नहीं होंगे तो अपना चल रहा है, परंतु ये सब अपराध ही है। लिखा है कि यदि कोई नाम के बल पर पाप करता है कि भाई अब कोई पाप कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, भगवान के नाम से तो सब खत्म हो जाते हैं। एक बार भी कोई भगवान का नाम ले ले तो इतनी महिमा लिखी हुई है कि वो जो है पाप इतने कर ही नहीं सकता, कई जन्मों में नहीं कर सकता, कई लोग मिलकर के नहीं कर सकते जितने एक भगवान नाम में। और पापों को निवृत्त करने की शक्ति है, पापों को ध्वस्त करने की शक्ति है। जैसे कि अग्नि क्या है, अग्नि तो कितने भी ईंधन को जला देगी, इसी तरीके से भगवान नाम तो एक ही कई पापों को जला देगा। तो ये महिमा या भगवान के नाम की महिमा समझ करके जो पाप करते हैं, तो भगवान का नाम उनके पापों को नहीं मिटाता, जबकि और उनको प्रवर कर देता है, वो तो भोगने ही पड़ते हैं। तथा वो भगवान नाम का भी फल नहीं मिलता, क्योंकि ये नामापराध कर दिया आपने। 10 नामापराध हैं, उसमें ये भी परिगणित है, इसकी भी परिगणना की गई है कि जो लोग भगवान के नाम के प्रभाव के बल पर जो पाप करते हैं, ये भी नामापराध है। भगवान शंकर के नाम को और भगवान विष्णु के नाम को बड़ा छोटा समझते हैं। आजकल तथाकथित वैष्णव लोग भगवान शंकर की निंदा करते हैं और पूरे दिन वो जो है राम नाम का ये जो है झोली डाल करके इधर उधर वो सब घूमते रहते हैं, तो वो नाम जप नहीं है। अरे भाई उनमें कोई भेद थोड़े ही है। देखिए भगवान के नाम के जो है अपराध बताए जा रहे हैं। सन्निंदा सन्निंदा सति नाम वैभव कथा श्री शेषयोर भेद धी अश्रद्धा श्रुति शास्त्र
देशिक गिराम नाम्यर्थवाद भ्रमः नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहितत्यागो हि धर्मांतरै साम्यम नाम जपे शिवस्य च हरेर नामापराधा दश। ये दस नाम अपराध हैं, संनिंदा भगवान के भक्तों की, भगवान के जो है परम आचार्यों की। ये जो आचार्य हैं, विद्वान हैं, इनकी विद्वानों की निंदा करना, भक्तों की निंदा करना, सज्जनों की निंदा करना। भगवान शंकर में और भगवान श्री विष्णु में भेद डालना कि ये अलग है, वो ईश्वर नहीं है, ये मानना। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान विष्णु में और भगवान शंकर में भेद है, भगवान शंकर विष्णु जो है वो भगवान नहीं है, और ये क्या कह रहे हैं, श्री शेषयोर भेद धी। जो भगवान शंकर में और भगवान श्री विष्णु में जो भेद मानते हैं, छोटा बड़ा मानते हैं, वे नाम अपराध करते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति का फल नहीं मिलता। अश्रद्धा श्रुति शास्त्र देशिक गिराम, जो वेदों के वचनों में, शास्त्रों के वचनों में, आचार्यों के वचनों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वे भी नाम अपराधी हैं। श्रद्धा शास्त्रों में नहीं है, अपराध नाम महाराज का कर रहे हैं, क्योंकि नाम की महिमा तो शास्त्रों से ही है। नाम की इतनी महिमा है, ये कहां से पता चला आपको? शास्त्रों से ही पता चला, और शास्त्रों में जो है आपकी श्रद्धा नहीं, एक को मानना है एक को नहीं मानना है, तो ये सब अपराध हो गया कि नहीं? नाम निर्थवाद भ्रम, अरे नामों की जब महिमा लिखी है उसको झूठ समझ लेता, अर्थवाद समझ लेता, तो ये भी जो है अपराध है। नामास्तीत निषिद्ध वृत्ति, नाम है तो सही, इससे पापों को काट लेंगे, पाप हमारे कट जाएंगे, इस दृष्टि से चलो पाप कर लेते हैं, ये हो गया तो हो गया, ऐसा कर लेते हैं तो वे पाप नहीं कटते हैं, ये भी नामापराध है। विहित त्याग, जिसका जिसके लिए जो विधान किया गया है उसका जो त्याग करता है वो भी नामापराधी है, ध्यान दीजिएगा। जिस वर्ण के लिए, जिस आश्रम के लिए शास्त्र ने जो मर्यादाएं बनाई है, जो विधान किया गया है, उसका जो त्याग करता है वो भी नामापराधी है। और भगवान का नाम जप करता, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम संध्या नहीं करेंगे, हम जप नहीं करेंगे, भगवान का नाम जप कर लेंगे, तो अरे उतना फल नहीं मिलेगा आपको, आपके नाम के अपराधी हैं, आपने वेद का त्याग कर दिया। जो विधान किया है शास्त्रों ने, शास्त्र क्या है, शास्त्र भगवान की ही आज्ञा है, श्रुति स्मृति ममई वाग्ये यस्त उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी मद भक्तोपि न मे प्रियः। भगवान ने स्वयं कहा है कि श्रुति स्मृतियां मेरी ही आज्ञा है, इनका जो पालन नहीं करता है, मनमाना आचरण करता है, वो वैष्णव नहीं है, मेरा भक्त नहीं है, वो तो मेरा दुश्मन है, वैरी है। इसलिए भेद का त्याग नहीं करना, जिसका विधान किया गया है वो करना ही है। आप भले ही नाम जप करते हैं लेकिन फिर भी आपको फल नहीं मिलेगा, आप ये अपराधी है, नाम अपराध कर रहे हैं आप, इसलिए भेद का परिपालन करना है। और अपने वर्णाश्रम धर्म को कभी भी छोड़ना नहीं है, धर्मांतर ही साम्यम नाम जपे शिवस्य च हरेर नामापराधा दशा। और शिव जी के नाम में और विष्णु जी के नाम में भी भेद समझता, शिव जी और विष्णु में श्री शेषयोर भेद धी भेद समझता है, इनके नामों में भी भेद समझता, ये अलग अलग ये तो अलग हो गया, ये अपर दूसरा, ये अलग से अपराध हो गया, नामों में भी भेद समझना। अरे भाई हम तो भाई जो जो विष्णु विष्णु कहेंगे, हरे राम 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 हरे हरे कहेंगे, शिव शिव नहीं कहेंगे, शिव से क्या हो जाएगा, इनमें भेद नहीं करना है। तो ये जो है शिव जी कहने वाले भगवान विष्णु से भेद नहीं करें, और विष्णु वाले जो विष्णु के भक्त हैं वो शिव से भेद नहीं करें, ऐसा बतलाया गया। जब भगवान विष्णु के भक्त भगवान शंकर को प्रणाम करते तो वे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और भगवान शंकर के भक्त
या भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं तो भी और ज्यादा प्रसन्न होते हैं, दोनों ही प्रसन्न होते हैं, चलो हमारा भक्त हमारे इष्ट के पास गया। दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं और दोनों ही एक दूसरे के सेवक हैं, तो इस दृष्टि से कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। तो यहां बात यह आई कि नाम के महत्व के बल पर जो अपराध करते हैं वो अपराध जो है क्षमा नहीं किए जाते, इसलिए अपराधों से तो बचे। जिन जो निषिद्ध हैं, जो निषेध हैं शास्त्रों में, उनका पहले परिवर्जन हो, फिर विधि का पालन हो और फिर भगवान नाम जप हो, तो वे नाम कल्याण करते हैं। यही शास्त्रों में मर्यादा है, यही विधान किया गया है। केवल यद्यपि कलयुग में भगवान के नाम की महिमा है, लेकिन कर्मों का बिल्कुल आलाप कर देना, छोड़ देना, हेय कर देना, उपेक्षा कर देना और केवल भगवान नाम से गति चाहना, ये नहीं है। यथाशक्ति सामर्थ्य विधि का पालन करो और भगवान नाम का जप करो तो भगवान नाम का संपूर्ण फल मिलेगा, अन्यथा वो मिलेगा तो सही लेकिन पूर्ण फल नहीं मिलेगा। ये सब बातें हैं भगवान नाम की महिमा पर। कभी किसी दिन और भी स्पष्ट रूप से वीडियो बनाएंगे, वो भी आप सुनेंगे। ठीक है, हर हर महादेव।